मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के जुलवानिया में श्री राम धर्म जागरण समिति के तत्वावधान में लगातार 12वें वर्ष जुलवानिया से ओंकारेश्वर तक पैदल कावड़ यात्रा गुरुवार को निकली। यात्रा 5 दिन में लगभग 130 किलोमीटर की दूरी तय कर सोमवार को ओंकारेश्वर पहुंचेगी, जहां पर कावड़िए नर्मदा व देव नदी के जल से भगवान ओंकारेश्वर व ममलेश्वर का अभिषेक पूजन करेंगे। ग्राम के दशहरा मैदान से प्रारंभ हुई कावड़ यात्रा में 465 शिव भक्त शामिल हुए। दशहरे मैदान से प्रारंभ यात्रा का नगर में समाज जनों के सहित जगह जगह स्वागत स्टॉल लगाकर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यात्रा प्रभारी अजय यादव ने बताया कि पर्यावरण के प्रति जन जागरण लाने के लिए पूरी यात्रा में कहीं भी पॉलीथीन व डिस्पोजल सामान का उपयोग नहीं होगा। यात्रा में शामिल सभी शिव भक्त अपने साथ भोजन पानी के लिए थाली, लोटा, गिलास आदि साथ लेकर चले हैं। गायत्री मंदिर परिसर के सामने सभा स्थल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक अजय पाटीदार ने कावड़ यात्रियों को संबोधित किया। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। अजय जी, यात्रा लेके जा रहे हैं, क्या उद्देश्य लेके जा रहे हैं, कितने वर्ष हो गया? हमारी यह कावड़ यात्रा लगातार ये 12वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और इस यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि हमारा धर्म और समाज किस प्रकार से एकजुट होकर हमारे इस देश को बना के रखे, इस कावड़ यात्रा का यही एकमात्र उद्देश्य। यात्रा में लेकर कोई उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, 12 वर्ष में कोई यात्रा की उपलब्धि रही हो आपके यहाँ? हमारी इस कावड़ यात्रा की एक तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने हमारी इस कावड़ यात्रा में डिस्पोजल मुक्त और प्लास्टिक मुक्त इस यात्रा को रखा। कितने कावड़ यात्री साथ में जा रहे हैं? लगभग 500 के आसपास। कितने दिन में यात्रा पूरी होगी, कहां से कहां तक पहुंचेंगे? ये कावड़ यात्रा हमारी 5वें दिन भगवान ओंकार ममलेश्वर में जल चढ़ाएगी। आज 25 तारीख से इसका शुभारंभ हुआ है। 25 तारीख सोमवार को हम जल चढ़ाएंगे और मंगलवार को ये यात्रा वापस अपने आप में।